In today video, we are diving into the fascinating world of hidden ingredients in popular Pakistani skincare products. As a skincare enthusiast, हम ज़्यादातर products के benefits के बारे में बात करते हैं, चाहे वो serums हो या cream हो. But reality में क्या हमें पता है कि उन skincare products में क्या क्या add है. आज के वीडियो में हम लोग पता करेंगे कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में वो कौन से छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, एंड सम ऑफ देम माइट सरप्राइज यू. फॉर मी ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि ना सिर्फ आप लोग हेल्दी और ब्राइटन अप स्किन अचीव कर सको, बल्कि आपको पता हो कि आपकी स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या क्या आप यूज कर रहे हो, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट टू लुकिंग फॉर एंड व्हाट टू अवॉइड. So let's uncover the secrets behind those labels and ensure your skincare is as effective and safe as possible. So if you are watching me for the first time and haven't subscribed to the channel yet, please please make sure you are subscribed and press the notification button so that you will be notified when I posted the video and आपको आइडिया हो कि यार आप अपनी स्किन के ऊपर क्या लगा रहे हो. बिकॉज आई एम नॉट लाइक अदर पेड इन्फ्लुएंसर जो आपको रियलिटी नहीं बताते कि यार इन प्रोडक्ट्स में एक्चुअली में है क्या. So let's uncover the reality. First ingredient I am talking about is Hydroquin. It is a skin lightening ingredient और various Pakistani skincare products में use होता है. इसको मार्केट किया जाता है एज अ स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट. ये क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर से मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिस वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है या डार्क स्पॉट्स वगैरह का इशू है उस पे वर्क करता है. बहुत से इन्फ्लुएंसर्स या जो ब्रांड्स हैं वो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में तो बताती हैं, बट इसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में कोई नहीं बताता. Hydroquin is the most controversial skin lightening ingredient. दुनिया में काफी कंट्रीज में इसको बैन भी किया गया हुआ है बिकॉज ऑफ इस कंट्रोवर्शियल बिहेवियर. बहुत से यूजर्स इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर आप हाइड्रोक्विन लॉन्ग टर्म में यूज करते हो तो आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो सकती है, आपको रोजेशिया का इशू हो सकता है, और समटाइम आपकी स्किन के ऊपर एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस वजह से आपकी स्किन के ऊपर अजीब तरह की ब्लैकिश ब्लू कलर की पिगमेंटेशन आपको परमानेंट हो सकती है. पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ साथ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत हैं, एंड मेजरली पाकिस्तान में बहुत सी स्किन केयर ब्रांड्स हैं जो इसको मार्केट करती हैं कि दिनों में आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देगा, व्हाइटन अप कर देगा, ये एक मेडिकल सीरम है, एक मेडिकल क्रीम है. बट यू नीड टू मेक श्योर कि इसके पोटेंशियल रिस्क भी हैं. सो वेन एवर के आप एक प्रोडक्ट यूज करो जिसमें हाइड्रोक्विन है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी स्किन बियरेबल है हाइड्रोक्विन के लिए कि नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस प्रोडक्ट का पैच टेस्ट करना है, इफ इट्स सूटेबल टू यू देन आप लोगों ने उसको यूज करना है. जिस प्रोडक्ट में हाइड्रोक्विन है आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग उसको लॉन्ग टर्म में ना यूज करो, बिकॉज इसके बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रिस्क है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, आपको रेडनेस का इश्यू हो सकता है. सो ये मेरा मशवरा था कि आपको गाइड करूं आगे, इट्स योर चॉइस के वेदर यू नीड टू यूज इट और नॉट. द सेकंड इंग्रेडिएंट इज पैराबिन. पैराबिन्स को बहुत ही ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है बिकॉज वो क्या करता है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है. बट मेजरली स्टडीज ने शो किया कि अगर आप पैराबिन्स प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डेंजरस इश्यूज हो सकती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और आपकी जो स्किन है उसमें हार्मोनल चेंजेस आपको फील हो सकते हैं. दैट्स वाई आप लोगों ने देखा कि लोग कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें सिस्टिक एक्नी भी स्टार्ट हो जाती है, उन्हें हार्मोनल एक्नी भी स्टार्ट हो जाती है, या उनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन वगैरह आ जाती है. बहुत सी कंट्रीज में एज आई सेड अर्लियर के इस चीज को प्रेफर किया जा रहा है कि पैराबिन्स फ्री प्रोडक्ट को यूज किया जाए, बट एज वी सेड वी लिव इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो अपनी मेजरली प्रोडक्ट में पैराबिन्स को यूज करती हैं टू इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ. और ट्रांसपेरेंसी की हदियां दिख रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में बताया भी नहीं होता कि इसमें पैराबिन्स हैं कि नहीं. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप इन प्रोडक्ट्स को बाय करो आप लेबल्स वगैरह लाजमी चेक करो कि इनमें पैराबिन फ्री है कि नहीं, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप अवॉइड करो उन प्रोडक्ट को जिसमें पैराबिन मोस्ट क्वांटिटी में ऐड किए गए हो. द थर्ड पॉइंट इज द हिडन डेंजर ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसीज को यूज किया जाता है स्किन केयर प्रोडक्ट में टू इनहेंस देयर सेंस, बट बहुत से यूजर्स के लिए ये एक परेशानी की बात हो सकती है बिकॉज ये जो फ्रेगनेंसीज होती हैं मिक्सचर्स होती हैं केमिकल्स का, और ये केमिकल्स तय करते हैं आपकी स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, आपकी स्किन इरिटेटेड हो सकती है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, एंड आपकी स्किन पे आपको रेडनेस का इश्यू हो सकता है. तो सबसे ज्यादा इशू की बात है कि ब्रांड अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में जस्ट मेंशन करती हैं फ्रेगनेंस, उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं की जाती कि कौन सी फ्रेगनेंसीज को यूज किया गया है, सिंथेटिक फ्रेगनेंस को यूज किया गया है, किसी और फ्रेगनेंस को यूज किया गया है. एंड जस्ट आई सेड अर्लियर के पाकिस्तानी पॉपुलर ब्रांड्स मेजरली फ्रेगनेंसेस को यूज करती हैं, बल्कि ओवर पावर्ड फ्रेगनेंस होती हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन का इश्यू भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट अच्छी वर्क भी नहीं, और आपकी स्किन के ऊपर आपको एलर्जिक रिएक्शन भी नोटिसेबल फील हो सकती है. मेक श्योर वेन एवर यू बाय अ प्रोडक्ट ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें ओवर पावर फ्रेगनेंस तो नहीं है, या ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोग फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट यूज करो, बिकॉज आजकल के टाइम पे ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट का ट्रेंड है, हेल्थ वीगन स्किन केयर प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, जो पैराबिन्स फ्री होती है, जो फ्रेगनेंस फ्री होती है. दैट्स द मोस्ट हेल्दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन.
The number fourth is the benefit and the risk of retinol. As you guys know, retinol is a derivative of vitamin A. रेटिनॉल मेजरली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है. रेटिनॉल ना सिर्फ यूज किया जाता है पाकिस्तान में स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्किन केयर इंडस्ट्री में रेटिनॉल से काफी डिमांड है. रेटिनॉल को बेसिकली प्रमोट किया जाता है, यह आपकी स्किन के ऊपर सेल टर्न ओवर को इंक्रीज करता है, आपकी स्किन के ऊपर सेल रिज्यूविनेशन को इंक्रीज करता है, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस पे वर्क करता है, रिंकल्स पे वर्क करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, आपकी स्किन के ऊपर टेक्स्चर पे वर्क करता है. एंड यस, ये भी एक क्वाइट कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ भी आते हैं. नेगेटिव एस्पेक्ट क्या, आपको इरिटेशन फील हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस का इशू हो सकता है, आपकी स्किन पील हो सकती है अगर आप इसको राइट कंसेंट्रेशन में यूज नहीं करते. सो इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू रेटिनॉल, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी अपनी रेटिनॉल जर्नी स्टार्ट करो ऑलवेज स्टार्ट विद द लोएस्ट कंसेंट्रेशन, और वो भी हमेशा पहले पैच टेस्ट करो कि वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रही है कि नहीं. अगर आप लोग डायरेक्टली उसको अपने फेस पर लगाओगे तो आपकी स्किन इरिटेट भी हो सकती है, आपकी स्किन पर आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है और आपकी स्किन पील भी हो सकती है. नीड टू मेक श्योर व्हेन एवर यू बाय अ रेटिनॉल ऑलवेज बाय विद द लोएस्ट परसेंटेज एंड विद द रेप्यूटेबल ब्रांड्स. अगर हम पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करें तो वो जस्ट अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट के लेबल में लिखते हैं कि उन्होंने इसमें रेटिनॉल ऐड किया गया है. कभी भी इसमें ये नहीं बताया गया होता कि कितनी परसेंट रेटिनॉल ऐड है, कितनी क्वांटिटी में रेटिनॉल ऐड है. इट्स नॉट सेफ फॉर योर स्किन कि आप कोई भी पॉपुलर पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड को यूज करो एज अ स्टार्ट टू योर रेटिनॉल जर्नी. फॉर माई रिकमेंडेशन, इफ यू वॉन्ट टू बाय अ रेटिनॉल एंड वॉन्ट टू स्टार्ट योर रेटिनॉल जर्नी, माई फेवरेट वन इज बाय द ब्रांड द ऑर्डिनरी. इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड कंफर्टेबल रेटिनॉल जो मैंने अपनी स्किन पे यूज किया. इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है और आपकी स्किन की हेल्थ को प्रमोट करता है. नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल. मिनरल ऑयल इज अ कलरलेस ऑडरलेस ऑयल डराइव फ्रॉम पेट्रोलियम, और ये बहुत ही ज्यादा मेजरली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज. इट एक्ट एन इमोलियंट जो आपकी स्किन के अंदर से मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक रखता है और आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में हाइड्रेट रखता है और मॉइस्चराइज रखता है. मिनरल ऑयल भी एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है बिकॉज ऑफ इस कोमेडोजेनिक प्रॉपर्टीज. ये आपकी स्किन को क्लोक कर देता है, आपके पोर्स को क्लोक कर देता है, जिस वजह से आपको क्लोज कोमेडोन्स का इश्यू हो सकता है स्पेशली फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन. बट फ्रॉम इस कंट्रोवर्सी, मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड प्रेफर करते हैं मिनरल ऑयल्स को अपने प्रोडक्ट्स में यूज करना बिकॉज ऑफ इस हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज. अब दो तरह के यूजर्स हैं. कुछ यूजर्स को तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, वो कहते हैं कि यस हमारे स्किन के ऊपर इसके हाइड्रेटिंग रिजल्ट्स आए हैं. बट मेजरली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने में आया है वो ये है कि बहुत ज्यादा मेजरली यूजर्स को इशू होता है क्लॉक पोर्स का, ब्रेकआउट्स का. एंड स्पेशली जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इफ यू हैव अ एक्नी प्रोन और ऑयली स्किन तो मेजरली आप लोग ऐसी प्रोडक्ट यूज ना करो जिसमें मिनरल ऑयल हो. मेजरली चांस है कि आपको क्लॉक पोर्स का इशू हो सकता है, आपकी स्किन ब्रेकआउट हो सकती है. सो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पाकिस्तानी ब्रांड वो कौन से 5 हिडन इंग्रेडिएंट यूज करके अपने स्किन के प्रोडक्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्विन, सेकेंड ऑफ ऑल पैराबिन्स, थर्ड ऑफ ऑल फ्रेग्रेंसेस, फोर्थ ऑफ ऑल रेटिनॉल, फिफ्थ ऑफ ऑल मिनरल ऑयल. एज अ नॉर्मल कंज्यूमर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेबल्स वगैरह को रीड करना और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमें इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए कि नहीं. सो मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज था कि मैं आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ कि हर एक इंग्रेडिएंट्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. सो यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि ये आपकी स्किन के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं एंड आपकी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं. ऑलवेज डू पैच टेस्ट बिफोर ट्राइंग एनी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स. मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बिकॉज मेरे बहुत से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे डीएम करके कहते थे कि सर हमने इस प्रोडक्ट को ट्राई आउट किया तो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स है. तो जब मैं जाकर उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक आउट कर दूं तो उनमें ये इशूज होती हैं. सो मेरा यही माइंडसेट था कि मैं इस पे ओवरऑल डिटेल वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को पता हो कि यार हाँ आप लोगों ने किस प्रोडक्ट को चूज करना है और किसको चूज नहीं करना. फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज प्लीज लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों का पैसा भी वेस्ट ना जाए, आप लोगों की स्किन भी खराब ना और आप लोग हेल्दी younger looking और glowing skin अचीव कर सको. So yeah, that's it for today's video. I hope you like the video. If you like the video, please please do like and subscribe my channel. अगर आपके स्किन के रिलेटेड कोई भी कंसर्न है आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके, स्पेशली एक इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आप मेरे फॉलोवर हो तभी मैं आपकी क्वेरी का आपको रिप्लाई करूंगा. सो इफ यू फील एनी क्वेरी यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड अगर आप किसी भी स्पेसिफिक स्किन के प्रोडक्ट, स्पेसिफिक ब्रांड, स्पेसिफिक कंसर्न पे वीडियो चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल. ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़.